गुड मॉर्निंग गाइस, आज मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक है। सो मैं खा रही हूँ सुबह सुबह क्या है बताओ, ब्रेड उपमा। ब्रेड जब बच जाता है ना, मतलब 7-8 रह जाता है, उस टाइम पे मैं उपमा बना लेती हूँ तो और एक दिन हो जाता है, नहीं तो फिर से और एक ब्रेड लेके आओ, फिर से उसमें से कुछ बच जाएगा। तो ये प्रॉब्लम रह ही जाता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। इसमें फुल ऑफ वेजिटेबल्स रहता है, कैरेट है, कैप्सिकम है, अनियन है, टमाटर है, हरी मिर्च है, थोड़ा सा मैंने राई और करी पत्ता का छौंक लगाया था, आलू है, इसमें थोड़ा सा हल्दी है, थोड़ा सा विनीगर, सोया सॉस, बस। देखो गाइस क्या बन रहा है ये। मेरी एक मौसी थी, वो बोलती थी क्या, मुझे याद नहीं है, नाम दिए थे कचुल्लती। एक्चुअली मम्मी को ये समझ में नहीं आता है कि कितना बॉयल करना है, तो मैं इसको बॉयल करके रख के जाऊंगी, बाकी मम्मी बनाऊंगी। ये खाने में भी टेस्टी होता है, फूड वैल्यू भी अच्छा होता है। हाँ, इसमें शायद आयरन भी रहता है, मेरा आयरन की थोड़ा सा अभी जरूरत है मुझे। आई डोंट नो, आयरन रहता है क्या? आयरन का जरूरत है ये कन्फर्म है, है क्या नहीं वो चेक करना पड़ेगा। गाइस देखो इसका कलर, देखो पिंक कलर का जवा फूल। आप लोग तेलुगु में इसको क्या बोलते हैं, अगर कोई देख रहे हैं तो मुझे बताना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, पर बहुत सुंदर लग रहा है। सो फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं एक स्पेशल काम के लिए, चलो जाके बताते हैं। लगातार गाइस 2 वीक से हम लोग देख रहे हैं वेन्यू, हम इधर है तो इधर की सारी चीज़ों के साथ ही हमें हमारा बेबी शावर करना पड़ेगा। कोलकाता में रहते तो छत पे पंडाल होता, ऐसे कुछ अलग तरीके से होता, और इधर पे हमारे फ्रेंड्स भी उतना नहीं है कि 100-150 इतना लोग तो नहीं आएंगे। मुझे इतना गर्मी लग रही है, पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। सो हम लोग मैरियट गए थे, उधर पर हम लोग ऐसे ही क्रैनबेरी जूस दिया था। एक्चुअली मेरा, मुझे लगता है प्रेशर फॉल कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मुझे किसी ने अमृत दे दिया। क्रैनबेरी में काफ़ी स्वीटनेस था ना, तो स्वीट भी था, थोड़ा सा सॉल्टी भी था, तो ऐसे मेरा प्रेशर फिर ठीक हो गया है। अभी हम लोग आए हैं स्पार, जितना लोग है उस हिसाब से हम अपना बेबी शावर प्लान कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम वेन्यू देख रहे थे। तो लगातार 2 वीक्स का मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ कुछ होटल रेस्टोरेंट। ये है एक्जोटिका, ये बहुत पसंद आया था हमें, ये है हाईटेक सिटी में, पर इसका पर प्लेट कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, लाइक पर प्लेट 2100 ऐसा। कुछ कुछ रेस्टोरेंट हम देख रहे थे जहाँ पे हमें थोड़ा सा अलग स्पेस मिले, जहाँ पे हम थोड़ा सा रिचुअल्स कर सके शाद का, उसके बाद हम केक कटिंग करेंगे और सब लोग बफे में खाना खाएंगे, ऐसा हमारा प्लान था। तो उसी हिसाब से हम वेन्यू चूज कर रहे थे। ये एक रेस्टोरेंट था, ये ओके था, इसका 1200 था पर प्लेट, बट इसका रेसिपीज़ और सारे खाना ओके लगा था। पर इधर पे ना 40 लोग होना चाहिए तभी बफे देंगे, और एक अलग से स्पेस के लिए ना आपको एक हेवी अमाउंट ऑफ पीपल चाहिए, अदरवाइज़ कोई नहीं करता है। ये आप देख रहे हो, ये लैम रेडिन है मैरियट का, ये हमें सबसे ज़्यादा पसंद आया था। ये एक छोटा सा रूम आप देखा ना, उसमें हम सेलिब्रेट कर सकते हैं हमारा रिचुअल्स, और ये है रूफ टॉप, यहाँ पे हम लोग केक कटिंग कर सकते हैं। तो मतलब ये जो है ना, ये बहुत अच्छा था, और हमारे घर के बिल्कुल पास में भी है, ये 5-स्टार भी है। सो मम्मी ने बनाया है ये आज कोचूर लोती, बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में, और पतला करके अंडा करी। शाम के 4 बज रहा है, मैं देख रही हूँ बोमकेश, साथ ही साथ में मैं यहाँ पे बना रही हूँ शाम के लिए कुछ स्नैक्स। स्नैक्स में आज मैं खीर बना रही हूँ, ये शिमोई बोलते हैं ना, उसका बन रहा है। रात को मैंने एक पतला सा एकदम लेस ऑयल में लौकी की ग्रेवी वाली सब्जी बनाई है। खाने के बाद आजकल अनिर्वाण फुल किचन को जो है ना एकदम साफ सफाई कर देता है, एकदम सारे प्रॉपरली बर्तन धो देता है। एक्चुअली मम्मी करना चाहती है और मैं मना करती हूँ कि नहीं, उसको भी सीखना है ना, आगे जाके घर के काम में अगर वो इन्वॉल्व नहीं होगा तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, वो वाला स्टेज ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सो गाइज मैं ना रात को बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, आप लोग सजेस्ट करना कि पहले दवाई खाओ या दूध पी लो। सो अनिवन बोलता है कि आफ्टर डिनर दवाई ले लो, उसके मतलब बेड टाइम पे जाके 1 घंटे बाद जब हम सोने जाते हैं तब दूध पी लो। तो आप लोग बताओ।
मम्मी क्या करती है, दूध लेके रखती है और रात को मैं दूध को गर्म करके ऐसे ढक्कन लगा के चली जाती हूँ आधा घंटा वॉक के लिए, उसके बाद आके मैं दूध पीती हूँ। सो कुछ लोगों ने बोला था कि केसर मत पिया करो, इससे बॉडी हीट होता है। सो हर एक केस जो है ना गाइज अलग अलग होता है। सो आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि आपके केस में कौन सा चीज़ अलाउड है। सो मुझे डॉक्टर ने बोला था केसर और जैगरी मिला के पी के सो जाओ, क्या होता है कि उससे अच्छा नींद होता है। शायद मेरा प्रॉब्लम नहीं होगा, उसी लिए डॉक्टर ने बोला है। जाने से पहले मम्मी को मैं गुड नाइट बोल के जाती हूँ। गुड नाइट, शिव पराठा टाटा। हाँ जूर, फोटो फोटो नॉट अलाउड, क्योंकि ये लोग अंदर आके ना पॉटी करके जाते हैं। अरे पॉटी नहीं, पीछे डस्टबिन रहता है, उसको भी पूरा तोड़फोड़ करते हैं। क्यों? मैं तुम्हें चिकन देती हूँ ना, बिस्किट देती हूँ ना, फिर क्यों? सब लोग देते हैं, नॉट ओनली मी। हाँ इन लोगों को अच्छा इधर उधर तो ही चाहिए। हो यार ना। हम लोग ना गाइस देखो वॉकिंग कम करते हैं, ये सब ज्यादा करते हैं। गाइस हमने वेन्यू सिलेक्ट कर लिया है और रेसिपी भी ऑलमोस्ट सिलेक्टेड है। सो कल आपके साथ मैं शेयर करके फिर ब्लॉग को एंड करूँगी, आज मेरे अंदर ताकत नहीं है, सॉरी। सो गाइज आपको बताते हैं कि हमको कौन सा वाला रेस्टोरेंट पसंद आया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे जहाँ पे हम थोड़ा सा गैदरिंग कर सके, थोड़ा सा डेकोरेशन कर सके। पहले वो रिचुअल्स होगा, उसके बाद सब लोगों के साथ हम लोग थोड़ा सा बफे इन्जॉय करेंगे, क्योंकि हम लोग वो झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं कि ऑर्डर करो ये करो। बफे रहता है तो मतलब ऑल सेट रहता है। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट में नहीं जाते जैसे आप लोगों को पता है। सो हम लोगों को ना फूड क्वालिटी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आइडिया ही थोड़ा कम है इस बारे में। एक बड़ा ओकेशन है तो उसमें हम चाहते थे कि अच्छे तरह से सब कुछ ऑर्गेनाइज रहे, सब कुछ सबको अच्छा लगे। तो इसीलिए ले मेरेडेन जो है ना वो मैरियट ग्रुप का है, तो मैरियट के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो आई थिंक। और नेक्स्ट आपको बता दें कि मेन्यू क्या क्या है। सो मेन्यू में दो वेज स्टार्टर, दो नॉन वेज स्टार्टर, एक वेज सूप, एक नॉन वेज सूप, तीन वेज सैलड, तीन नॉन वेज सैलड, मेन कोर्स में एशियन मेन कोर्स में टू वेज वन नॉन वेज, कॉन्टिनेंटल मेन कोर्स में टू वेज वन नॉन वेज, इंडियन कोर्स में दाल पनीर डिश वन वन करके, वन स्टीम राइस, वन वेज पुलाव या बिरयानी, वन नॉन वेज बिरयानी, थ्री वेज करी, टू नॉन वेज करीज, वन रसम, डेजर्ट में थ्री इंडियन डेजर्ट, सिक्स बेकरी डेजर्ट, थ्री आइसक्रीम्स एंड सिक्स लाइव काउंटर रहेगा। मुझे पता भी नहीं है, फर्स्ट हमारा ऐसा एक ओकेशन होने जा रहा है जिस ओकेशन में हम पता ही नहीं है कि हमारा रेसिपीज क्या होने वाले हैं। एक्चुअली वो लोग शेयर करेगा बिकॉज एवरी वीक वो चेंज होते रहते हैं। हाँ, ये एक्चुअली ब्रंच है ना, मतलब संडे इनका एक्चुअली ब्रंच का होता है, तो पर ये आपको मुझे लगता है ये लंच ही है, ब्रंच है। 12:30 बजे कौन तो सभी रहेगा। सो देखते हैं कैसा रहेगा। तो ये गया ये पार्ट। सेकेंड पार्ट मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो ये शाद है, बेबी शावर है, ये प्रॉपर उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं होगा जिस तरीके से सबका होता है, बंगाल में जैसे होता है। ये ऐसा कोई रिचुअल्स नहीं है कि इस तरह से करना है इस तरह से करना है। मुझे ऐसा लगता है रिचुअल्स हमेशा चेंज होते रहना चाहिए, और आप कौन से स्टेट में हो, कौन से जगह पे हो, आपके सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, उसके ऊपर डिपेंड होकर रिचुअल्स चेंज होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो शाद में और फिश का हेड ये सब देते हैं, फिश का हेड हम देंगे, पर मेरा जो 9 मंथ का शाद होगा उसमें दे, वो थोड़ा सा छोटा करके घर पे होगा, उतना बड़ा करके दो बार करने का पॉसिबल तो उसमें होगा। पर हम लोगों ने बोला है कि हम लोग खीर और सातों काइंड ऑफ फ्राइज फ्रूट्स ये घर से लेके जाएंगे। मैं थोड़ा थोड़ा टच करूँगी ऑब्वियसली, मुझे इतना सारा रेसिपीज है वो टेस्ट करनी है, और मुझे सजा के देंगे ऐसा ही मतलब रहेगा। सो इस तरह से कुछ होगा। उसके बाद हम एक केक कटिंग करेंगे, जैसे पहले ज़माने में केक कटिंग नहीं होता था बेबी शावर में, अभी होता है ना, चेंज हुआ है ना, वैसे ही इधर पर थोड़ा बहुत आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मेरा शाद दिखने को मिलेगा। और केक कटिंग हम लोग स्विमिंग पूल के उस जगह पे करेंगे, रूफटॉप में इनका स्विमिंग पूल है, जेट्स पार बोल के, और बहुत वो एक बड़ा सा होटल है, उसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट है, तो उसमें जाके हम लोग केक कटिंग करेंगे। और गाइस थर्ड थिंग, घर से अनिर्बान के घर से या मेरे घर से कोई नहीं आ रहे। एक तो देखो पापा दो ढाई महीने पहले आए थे, तो उनका क्या है कि बार बार करके ट्रैवल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक साल भी नहीं हुआ है हार्ट की प्रॉब्लम का, और पापा फ्लाइट
में अभी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, पता नहीं पहले जाते थे, अभी उनको बहुत डर लगने लगा है, तो ट्रेन में आप समझ सकते हो ना। सो मम्मी पापा को हमने मना किया है आने के लिए, और हमारे घर से भी हमने सबको बोला है कि ठीक है कोई नहीं, हम लोग उसके बाद का पता नहीं ना, अभी बेबी आ जाएगा उसके बाद कौन आएंगे कि हम तुरंत चले जाएंगे, वो तो ऑन द पर्सन में सब एक साथ चले। हाँ वो एकदम कोलकाता में जाके प्रॉपर, पर शायद जो है ना वो मेरा ट्रैवल करना अनिर्वाण के लिए थोड़ा सा रिस्की लग रहा था, तो इसलिए नहीं वो तो मैं स्टार्टिंग में बोल दिया कि वो, हम नहीं हम लोग नहीं तो मेरा एक प्लानिंग था कि हम लोग कोलकाता जाएंगे, उधर पे जाके छत पे पंडाल करके ऐसे जैसे होता है, तो अनिर्वाण इनिशियल प्लान वही था, बट पूजा के टाइम हम लोग सोच रहे थे कि जाएंगे। एक्चुअली गाइस मेरा क्या है ना कि देखो मेरा बीच बीच में शुगर और प्रेशर लेवल फॉल कर जाता है, तो कभी भी ये हो सकता है। मैंने सर इनिशियली एक्चुअली इनका जैसे वोमिटिंग का इश्यूज था, तो वो सब देख के हम लोग पूरा उस प्लान को, और अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरा कभी भी फॉल कर जाता है, तो मैं कभी भी उसको बोलते हैं मुझे पकड़ लो। नहीं और एक प्रॉब्लम है, अचानक बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है इनको। हैदराबाद में अभी जो टेम्परेचर चल रहा है भी मुझे इतना गर्मी लगती है कि मतलब अनिर्वाण ऐसे कंबल ओढ़ के रखता है। हैदराबाद में अभी टेम्परेचर चल रहा है अराउंड 24-25-26, ऐसे हाईएस्ट टेम्परेचर 27-8 हो रहा है उसमें, बट कोलकाता में टेम्परेचर थोड़ा हाई है तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता था, तो और हम लोग डॉक्टर भी चेंज नहीं करना चाहते थे अभी, तो हम अपने हिसाब से करेंगे। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो इस वीडियो को भी एंड करते हैं। चलो बाय, फिर मिलेंगे, टेक केयर, टेक केयर, बाय।